हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज तुषार। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंग इशू के बारे में, मतलब पिंग प्रॉब्लम के बारे में। पबजी मोबाइल खेलते समय आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट होती है तो आपका पिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है आपका। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको पिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो भाई वीडियो पूरी अंत तक देखना। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ, ऐसी APN की सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपका जो है पिंग कोई सी भी सिम हो, पिंग आपका जो है 30 के अंदर ही रहेगा, मतलब आपका पिंग इतना हाई नहीं जाएगा और आपको अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड भी देखने को मिलेगी। तो वीडियो पूरी अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना, जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो वीडियो पसंद आती है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। सुबह चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो है सबसे पहले सेटिंग आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना और यहाँ पे आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा या फिर जो भी आपके में नेटवर्क के जो भी रहे आपको उसमें जाना है। यहाँ पे डाटा यूसेज आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे डाटा सेविंग आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाटा सेविंग को आप ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो भी रहते हैं वो आपका नेट यूज़ करते हैं, तो इससे आपको जो है बैकग्राउंड के जो है एप्लीकेशन से वो आपका नेट यूज़ नहीं करेंगे, जिससे आपको पबजी के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी गेम की, इससे कम पिंग आएगा। और जो सेकंड सेटिंग हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको नीचे डुअल चैनल एक्सेलरेशन एक और सेटिंग देखने को मिलती है, तो ये जो सेटिंग है ये भी बहुत काम की सेटिंग है। इससे क्या होता है कि जैसे आपके पास वाईफाई और इंटरनेट दोनों है और आप दोनों यूज़ कर सकते हो, तो आप इंटरनेट से खेलते होगे तो आपको बहुत ज़्यादा पिंग देखने को मिलता होगा। तो इससे क्या होता है, अगर आपके पास वाईफाई है तो आप दोनों वाईफाई और इंटरनेट दोनों यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको दोनों का फ़ायदा होगा और आपकी जो है गेमिंग स्पीड बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम जो अगली सेटिंग है वो APN के मतलब एक्सेस पॉइंट नेम, तो आपको सिम कार्ड में जाना है आपका जो भी सिम है। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट आपके सिम में आता होगा, एक्सेस पॉइंट नेम में हम जाते हैं, यहाँ पे जैसे जियो का है तो जियो का आएगा, आइडिया का यहाँ पे हमको एक अलग APN ऐड करना है। प्लस के आइकॉन मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिख जाएगी, तो आपको सबसे पहले नेम जो है रखना है। सो गाइस, आपको जो APN का नाम रखना है वो लिखना है गेमिंग X V3, तो जिसमें गेमिंग का G और X जो है आपको बड़ा रखना है, गेमिंग का G और X आप देख सकते हो मैंने किस तरह से लिखा है। फिर आती है APN के बारे, तो APN में आपको लिखना है LTE लिख सकते हो आप, जो आपका नेटवर्क रहता है वो आपको लिखना है, ओके कर दीजिए। यहाँ पे प्रोक्सी और पोर्ट को आपको हटा देना है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना आपको। और यहाँ पे यूज़र नेम पे आपको जो है यूज़र नेम बता देता हूँ आपको क्या लिखना है, यूज़र नेम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है 5G प्लस गेमिंग X। आप देख सकते हो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, कोई स्पेस नहीं छोड़ी है, और X आपको कैपिटल लिखना है और ओके कर देना है। फिर यहाँ पे पासवर्ड हमको नॉट सेट, और जो सर्वर है सर्वर आपको लिखना है www.google.com, ये सर्वर आप यूज़ कर सकते हो, google.com हम ये वाला सर्वर यूज़ करेंगे, तो ओके कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको बाकी और किसी में भी छेड़छाड़ नहीं करनी, नीचे तक जो है आपको बहुत सारी सेटिंग दिखेगी। आपको APN प्रोटोकॉल जो है इस पर जाना है, और ये IPv4 पे होगा, तो IPv4 और IPv6 पे आपको ये लास्ट वाले पे टिक कर देना है, दोनों पे कर सकते हो। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी आपको यही सेटिंग करनी है। फिर आता है बैरियर, तो बैरियर में आपको ये जो दिख रहे हैं आपको सब पे ही टिक करना है, बस दो को आपको छोड़ देना है जो है HSUPA, ये आपको शुरुआत में देखने को मिल जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है 4th नंबर पे इसको आपको छोड़ देना है, बाकी जो है आपको सब पे टिक करना है। और लास्ट में एक और आएगा जो है IS95B, ये आपको छोड़ देना है ये दो को, और बाकी सबको टिक कर देना। अगर आपके में नहीं आता तो LTE आता है तो LTE को ही टिक कर दीजिए, और बाकी आपको कुछ सेटिंग नहीं करनी है और सेव कर देना इस APN को। और बाकी जो आपका डिफ़ॉल्ट APN रहेगा उसकी जगह पे आपको इसको यूज़ करना है, तो इससे भी आपको अच्छा खासा पिंग देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। सो गाइज, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे आप हमारे नए हो तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं जरूर मुझे कमेंट में बता देना। सो गाइज, मैं मिलूंगा आपसे आप अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। With